हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आज के स्टूडियो में। दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं WAR वर्सेस FIG की 3 ट्रिलियन की विनिंग टीम देखने वाले। तो जल्दी से मैंने हाईलाइट कर दी, उस पर आपको क्लिक कर लेनी है। और अब तक आपने टीम नहीं बनाई तो क्रिएट टीम पर क्लिक कर लीजिएगा। मैंने भी टीम बना के रखी है, माई टीम पर चलता हूँ और बाय टीम पर जाके पहली टीम को आपको दिखा देता हूँ, किस किस को मैंने लिया, किस को नहीं लिया। तो सबसे पहले कीपिंग के सेक्शन पे देखते हैं। तो एस ठाकुर को मैंने ले लिया, सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस इनका ही रहा है तो मैंने इनको इस टीम में शामिल कर लिया। अगर बैटिंग की बात करें तो ए जोशी को लिया है, पी मोहिते को लिया, पी पाटीदार को लिया है, एम मंगुकिया को लिया। तो जैसे कि देख सकते हैं, 4 बल्लेबाजों को मैंने ले लिया है। तो 4 बल्लेबाज लेने के बाद मेरे पास ऑलराउंडर के सेक्शन में 3 ही ऑलराउंडर में ले सकता हूँ, क्योंकि हमें 3 गेंदबाज लेने होते हैं। तो मैंने 3 ऑलराउंडर कुछ इस तरह से लिए, पी यादव, बी पटेल, पी प्रजापति। काफ़ी अच्छी टीम बन रही है दोस्तों। काफ़ी मतलब इनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले कुछ मैचेस में ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया, लेकिन पूरे सीरीज का अगर देखा जाए तो इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। अगर बात करते हैं गेंदबाजी की, तो के भारवड को ऑफकोर्स हम हर टीम में जरूर रखने की कोशिश करेंगे। वी सोलंकी को लिया है और पी अग्रवाल को लिया है। तो इस तरह से ये टीम अच्छी बन चुकी है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया बन चुकी है। बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो मैंने पी पाटीदार को यहाँ पे कैप्टन बनाया और प्रजापति को वाइस कैप्टन बनाया। हालांकि काफ़ी लोगों ने पी प्रजापति को कैप्टन बनाया, 50% से भी ज़्यादा लोगों ने इनको कैप्टन बनाया। लेकिन अगर इनका और पाटीदार का अगर कंपैरिजन किया जाए तो पाटीदार ने कंसिस्टेंसी ज़्यादा दिखाई है। मतलब इन्होंने पॉइंट अच्छे लिए, भले ही कम भी होंगे पर प्रजापति से कंसिस्टेंसी ज़्यादा अच्छी है। तो इसलिए पहले टीम में मैं ज़रूर पाटीदार के साथ कैप्टन के लिए जा रहा हूँ और प्रजापति को वाइस कैप्टन बना रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो सके, ग्रैंड लीग जीत सके आप, या फिर स्मॉल लीग लगाते हो तो स्मॉल लीग जीत सके। तो इसलिए मैंने अभी इस तरह से किया है। पी पाटीदार काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तो इनको कैप्टन बनाया है। और प्रजापति काफ़ी अच्छा ऑलराउंडर है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते हैं, डबल पॉइंट दे सकते हैं। तो अभी मैं फिलहाल इनको वाइस कैप्टन बना रहा हूँ, तो आगे ज़रूर मैं इनको ज़रूर कहीं ना कहीं कैप्टन भी बनाऊंगा। तो अभी फिलहाल मैं इसी तरह से रखूंगा। इस टीम को आप चाहे तो ग्रैंड लीग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो स्मॉल लीग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैंड लीग के लिए कहूँगा, क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि ग्रैंड लीग के लिए ज़्यादा टीमें लगानी चाहिए। इस टीम को क्लोज कर लेते और दूसरी टीम में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने कीपिंग में शुरुआत में ही चेंज कर लिया है। एम तेजुल को तैफुल को मैंने इस टीम में ले लिया है, क्योंकि इन्होंने पिछले मैच में 149 पॉइंट दिए। जी हाँ दोस्तों, 149 पॉइंट दिए। तो मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि लास्ट टीम में उनको लेके दिखाया था मैंने आपको, और कहा था इनको मतलब इनका परफॉर्मेंस तब तक अच्छा नहीं था, फिर भी मैंने कहा था कि एक टीम में ज़रूर लीजिएगा। तो वो सही पड़ा था दोस्तों, इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था पिछले मैच में। तो ऑफकोर्स काफ़ी लोगों ने इनकी वजह से अर्निंग की होगी, क्योंकि काफ़ी कम लोगों ने यूज़ किया था। और अगर आपने मैंने जैसे बताया वैसे टीमें ली होंगी तो आपको भी अच्छी खासी अर्निंग जरूर हुई होगी। अगर बात करते हैं बैटिंग की, तो इस बार मैंने 3 बैट्समैन को ही लिया है, ए जोशी को लिया है, पी पाटीदार को लिया है और एम मंगुकिया को वापस ले लिया है। इसके बाद ऑलराउंडर की बात करें तो पी यादव, एच घलीमट्टे, पी प्रजापति, डी पांडे, इस तरह से 4 ऑलराउंडर मैंने ले लिए। और यहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस सभी ने किया है। उसके बाद मेरे पास गेंदबाजी में के भारवड तो ऑफकोर्स मेरे पास रहेंगे, एस चौधरी को लिया है और पी अग्रवाल को लिया। तो ये भी टीम काफ़ी बढ़िया बन चुकी है दोस्तों, ज़रूर कहूँगा इस टीम को भी अगर आप ग्रैंड लीग के लिए यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। स्मॉल लीग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्रैंड लीग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि मैंने पिछले टीम में बताया था कि मैं ज़रूर इनको कहीं ना कहीं कैप्टन बनाऊंगा, तो मैंने यहाँ पे पी प्रजापति को कैप्टन बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, इनको काफ़ी लोगों ने पसंदगी दी है, और ऐसा ना हो कि मैं इनको कहीं भी कैप्टन ना बनाऊं और ये अगले मैच में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर दे, तो इसीलिए मैं अभी इनको इनके साथ भी चला जाऊंगा। सेम गेम है दोस्तों, इनको ज़्यादा लोगों ने कैप्टन बनाया तो मैं भी इनको साथ अभी इस टीम में बना लूंगा उनको कैप्टन, क्योंकि अच्छा खासा परफॉर्मेंस है दोस्तों इनका। हाँ, कुछ पिछले मैचेस से थोड़ा डाउन जरूर रहा है, लेकिन
पूरी सीरीज की बात करें तो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है, तो इसीलिए इनको भी कैप्टन बनाना जरूरी है। और मैंने इस बार के भारवड़ को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया क्योंकि इनकी कंसिस्टेंसी काफी बढ़िया रही है दोस्तों। अच्छे खासे पॉइंट दे रहे हैं हर मैच में, विकेट ले रहे, तो जरूर आपको कहीं ना कहीं इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन जरूर बनाना होगा। तो इस तरह से ये भी टीम अच्छी खासी बन चुकी है। जरूर कहूंगा दोस्तों इस टीम को भी अगर आप ग्रैंड लीग के लिए लगाएंगे तो ज्यादा बेटर है, लेकिन स्मॉल लीग के लिए भी लगा सकते हैं। इस टीम को क्लोज करते हैं और तीसरी और आखिरी टीम मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर देखते हैं तो एशियर के को मैंने ले लिया है क्योंकि लास्ट मैच इनका भी अच्छा गया था दोस्तों, और मतलब परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है, इतना कुछ खराब नहीं है। हालांकि पहले दो कीपर हमने जो लिए उनसे थोड़ा कम है, लेकिन अच्छे प्लेयर है। आपको एक हाथ टीम में जरूर इनको ट्राई करना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले फेजुल का कहा था वो। अब बात करते हैं बल्लेबाजी की, तो मैंने यहाँ पे पी भोईते को अब तक नहीं लिया था, पी पाटीदार को ले लिया वापस, मंगुकिया को वापस ले लिया। पी भोईते को अब तक एक भी टीम में नहीं लिया था, तो इस टीम में मैंने ले लिया। पी यादव, अब ऑलराउंडर्स की बात करें तो पी यादव को लिया, पी प्रजापति को लिया, पी घिलानी को अब तक एक भी टीम में नहीं लिया था, उनको भी यहाँ पे ट्राई कर लिया। अगर गेंदबाजी की बात करें तो पहली टीम में मैंने चार बल्लेबाज लिए थे, तीन ऑलराउंडर लिए थे। दूसरी टीम में मैंने चार ऑलराउंडर लिए थे, और इस टीम में मैं चार गेंदबाजों के साथ जा रहा हूँ। जैसे कि देख पा रहे ऑलराउंडर पी यादव है, पी प्रजापति है और पी हिलानी है। उसके बाद अगर बात करते हैं गेंदबाजी की तो के भारवड़ है ही मेरे पास, आर जैन को लिया है और एस चौधरी को लिया और एम मेहता को लिया। तो कुछ ऐसी टीम बन चुकी है कि काफी संतुलित टीम लग रही है, तो जरूर आप इस टीम को भी ग्रैंड लीग के लिए और स्मॉल लीग के लिए दोनों के लिए यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर है। कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ कि भारवड़ का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, हर मैच में ये अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और अच्छे खासा अभी तक कंसिस्टेंसी उन्होंने रखी अपने पॉइंट्स देने में। तो इसी वजह से मैंने के भारवड़ को इस बार कैप्टन बनाया, और एस चौधरी ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो आप जरूर इनके साथ एज अ वाइस कैप्टन जरूर जा सकते हैं, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पे वाइस कैप्टन बनाया। तो ये भी टीम काफी बढ़िया बन चुकी है। हाँ ऑफकोर्स कहूंगा इस टीम को ग्रैंड लीग के लिए भी उतर सकते हैं, स्मॉल लीग के लिए भी उतर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मेरी तीनों टीमों को ग्रैंड लीग के लिए जरूर यूज कीजिएगा, स्मॉल लीग के लिए आपकी मर्जी, आपको यूज करनी है नहीं करनी है, लेकिन तीनों टीमें ग्रैंड लीग के लिए जरूर यूज कीजिएगा, क्योंकि कम से कम एक टीम तो आपको ग्रैंड लीग जिता सकती है, या फिर कुछ ना कुछ अच्छी खासी अर्निंग आपको दो टीमें या फिर तीनों टीमें भी करा के दे सकती है। तो इसीलिए कहना जरूरी है कि ग्रैंड लीग के लिए ज्यादा से ज्यादा टीमें लगाइएगा, 5, 10, 15, 20 टीमें लगाते होंगे तो काफी अच्छा है दोस्तों, क्योंकि आप अलग अलग ऑप्शन से ये टीमें लगाते हैं, तो आपकी एक भी टीम अगर ग्रैंड लीग के लिए जीत जाती है तो आपको अच्छा खासा फायदा होगा, साथ ही साथ दो तीन टीमें भी अच्छे रैंक लेके आए तो आपके पूरे पैसे वसूल होने के बाद भी आपको प्रॉफिट होगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।